हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किनी आर्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पर्पल कलर बनाकर उसके लाइटर और डार्कर शेड पे वर्क करके आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, पर्पल कलर बनाने के लिए मेनली हमको रेड एंड ब्लू की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं रेड कलर निकाल रही हूँ पहले, और रेड कलर के बाद अभी बारी है ब्लू कलर की। रेड और ब्लू के मिक्सचर से ही पर्पल कलर तैयार होता है। तो यहाँ पे इन दोनों कलर को मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, और मिक्स करने से देखिए अच्छे से आपको पर्पल का भी पर्पल कलर बनता हुआ दिख रहा है होगा। तो पर्पल, अगर आपको डार्क शेड चाहिए पर्पल में, ब्लू का आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा चाहिए, तो आप ब्लू कलर्स में ज़्यादा ऐड कीजिए। और ये अगर आपको उसमें रेड का ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट चाहिए, तो यानी कि आपको पिंकिस काइंड ऑफ पर्पल कलर बनाना है, तो आप उसमें रेड ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐड करने से हम लाइटर और डार्कर शेड पर वर्क कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे पेपर पर भी करके दिखा देती हूँ। जो हमारा नॉर्मल पर्पल है, उसका शेड कुछ इस तरह से आएगा, जो कि क्वाइट नॉर्मल है। और उसके बाद जिसमें हमने डार्क ब्लू ज़्यादा ऐड किया है, उसका थोड़ा डार्किश इफेक्ट है। और जो तीसरा वाला है, उसमें हमने रेड ज़्यादा ऐड करना है, ताकि उसमें हमें रेडिश यानी पिंकिश पर्पल का शेड दिखाई दे। तो ये देखिए, इसमें हम देख सकते हैं कि रेड का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो ये पिंकिस काइंड ऑफ पर्पल का हमें इफ़ेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों, अब इनकी हेल्प से मैं बनाऊँगी एक फ्लावर की पेंटिंग। आप उसे पूरा देखिए, और यस, लेट्स स्टार्ट। So guys, here is the final look of the painting. I hope you have enjoyed this video. If you like this video, so please don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon. Thanks for watching.